के साथ फोटो बनती ही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है। ओम ज्ञान पूर्णं तस्मै ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपाकृतमायं ददाति सम्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुवैष्णवाश्च श्रीरूपं साक्षितं सहगणनाकृतं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां सहगणलीला श्रीविशाखान्वितमाश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तत्र काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। स्वागत है आप सबका फिर से। आज भगवत गीता में 10वें अध्याय से हम 4 श्लोक करेंगे जिन्हें भगवत गीता में चतुर्श्लोकी गीता कहते हैं। सब भगवत गीत जैसे जानते हैं ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। इसे इंग्लिश में हम सेलेस्टियल सॉन्ग कहते हैं बिकॉज इट वाज डायरेक्टली सॉन्ग बाय कृष्णा। भगवान ने सीधा भगवान के मुख से आ रहा है तो ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधा भगवान के मुख से आ रहा है और भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया है हम तक ये ज्ञान देने के लिए। सो भगवत गीता में 18 अध्याय है 700 श्लोक के करीब है और भगवान ने इस 18 अध्याय में वो सब कुछ दिया है जो इस संसार में रहने के लिए और यहाँ से जाने की तैयारी के लिए है। इस संसार में कैसे रहना है भगवान ने गीता में समझाया और भगवान ने ये भी समझाया है कि यहाँ से तैयारी कैसे करनी है आगे जाने की। गीता में जैसे हम कल भी कर रहे थे कि भगवान कह रहे हैं कि जिस चाह में जैसी ही आपकी जो इच्छा होगी उस चाह में जैसे आप शरीर त्यागेंगे अगला दिन तैयार खड़ा है आपके लिए। तो इसलिए मृत्यु की तैयारी सबसे आवश्यक है। जीने के लिए तो हर पशु पक्षी भी जी रहे हैं पर उन्हें जीवन का लक्ष्य नहीं पता है पर मनुष्य के पास विवेक है मनुष्य के पास ये ज्ञान ये बोध कर सकता है कि उसको ये देह क्यों मिला है। तो चतुर्श्लोकी गीता में 10वें अध्याय के ये 4 श्लोक है जहाँ भगवान ये बताते हैं कि मैं कौन हूँ। पूरी गीता में भगवान ने ये बताया है बेसिकली भगवत गीता जो है 5 चीजें डिस्कस करती है। भगवत गीता में 5 चीजें भगवान विशेषकर बताते हैं। सबसे पहले भगवान अपने बारे में बताते हैं मैं कौन। हम सब ये जानना चाहते हैं कि भगवान
जब तक जिज्ञासा नहीं होती है भक्ति शुरू नहीं होती है। वेदांत सूत्र की सबसे पहली लाइन ही है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ब्रह्म कौन है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, ये बहुत आवश्यक है। हम सब ने कभी ये सोचा ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। हम सब ये जानते हैं कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये घर है, मेरा ये नाम है, हम यही जानते हैं। मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये जॉब है, मेरी ये पढ़ाई है, मैं बस इतना ही मैं को जानते हैं। पर हम ये नहीं जानते कि असल में मैं कौन हूँ। जब मृत्यु होती है, जब व्यक्ति तो वही होता है, पर हम कहते हैं वो चला गया, तो शरीर तो वही था, फिर वो कैसे चला गया, फिर कौन चला गया, फिर उसमें जो मैं था वो चला गया। इसलिए मैं इस शरीर से अलग हूँ। इस समय जो बोल रही है वो आत्मा है, वो मैं, इस शरीर मैं शरीर नहीं हूँ। मेरे को ये शरीर मिला है किसी कार्य करने के लिए, मिला है किसी लक्ष्य में पहुंचने के लिए मिला है। तो ये शरीर वैसे ही है जैसे कोई गाड़ी किसी ड्राइवर को मिलती है कि उसे वहां तक, ड्राइवर को वहां तक जाना है तो वो गाड़ी का उपयोग करता है। तो ये देह इसीलिए इस आत्मा को मिला है कि इस आत्मा को अपने गंतव्य स्थान पर, डेस्टिनेशन पर जाना है। उसको ये शरीर मिला है कि इस शरीर का उपयोग करके उसे वहां पहुंचना है। पर मनुष्य ऐसा है कि वो इस शरीर से ही मोह कर बैठता है, वो शरीर भी सब कुछ समझ लेता है, इसी को मोह कहा गया है। यही एक कहा है, इल्यूजन है, जो है नहीं है और उसी को वो समझना है, ये माया है। यही सोचना है मैं शरीर हूँ, और शरीर तो मृत्यु के पश्चात ही नहीं पड़ा है, पर वो व्यक्ति नहीं है, वो कहाँ चला गया। तो उसकी चेतना, वो चेतना से जुड़ा था, आत्मा चेतना है। तो भगवान गीता में पूरा ज्ञान देते हैं और पूरी डिटेल में बताते हैं कि जीव भगवान कौन है। सबसे पहले बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा धाम क्या है, उस धाम के गुण क्या है, उस धाम में जो आता है उसे वापस नहीं जाना पड़ता। तो भगवान बताते हैं मैं सब कारणों का कारण हूँ, सब कुछ मुझसे आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभु मदा सर्व प्रवर्तते इति मतवा भजन्ते माम बुद्धवा समन्वितम्। भगवान कहते हैं मैं सब, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं सब कारणों का कारण, सब कुछ मुझसे आ रहा है। ये भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत, सब संसार, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति मुझसे है, सब कुछ मुझसे आ रहा है। मैं सब चीजों को देने वाला हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु। अहम का संस्कृत में मैं है, सर्वस्व सब कुछ देने वाला मैं हूँ। जो ये नहीं जानता है कह रहे हम सर्वस्व प्रभु, और फिर कहते हैं कि जो ये समझ गया है बुद्ध को वह समझ लेता, जो ये जान गया है, जो जानता है कि मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, वो बुद्धिमान है। तो हम कहेंगे हम तो जानते हैं, पर यहाँ जानने का अर्थ ये नहीं है कि आपने थियोरेटिकली समझ लिया है कि हाँ भगवान सब कारणों के कारण है। ये जब तक हमारे जीवन में दिखता नहीं है, जब तक हमारे जीवन में इसका अनुभूति नहीं है, तब तक हम समझे नहीं है। जब तक हम इस राह पे चले नहीं है, जब तक हमने भगवान को जाना नहीं है कि हम सब कारणों के कारण हुए हैं, हमें उन्हीं के पास जाना है, तो ये हमारे कैरेक्टर में, हमारे चरित्र में दिखना चाहिए, ये हमारे रोज की प्रैक्टिकल चाल चलन में दिखना चाहिए। ये नहीं कि हम एक जिंदगी मंदिर में जब प्रवचन सुनते हैं या जो डिस्कोर्स कहीं सुनते हैं, वहाँ सत्संग सुनते हैं, वहाँ एक जिंदगी एक हमारी अलग हो और घर जाते इस दरवाजे से बाहर निकलते ही दूसरी जिंदगी हो। यही सारे गुण अपने साथ उस जीवन में लेकर जाएंगे, तभी हम कहेंगे कि हाँ हम भगवान को समझते हैं, हम जानते हैं कि वो सब काम रखने का है। क्योंकि हम फिर भी देवी देवताओं के पास भटकेंगे तो इसका अर्थ हम नहीं जानते। हम सोचते हैं हर देवी देवता अलग से ही प्रसन्न होगा। हर देवी देवता जो है वो भगवान की ही भक्ति से प्रसन्न होते हैं, और भगवान भी प्रसन्न होते हैं जब हम सीधा जड़ में जल देते हैं, सीधा भगवान को ही समर्पण देते हैं। तो अहम सर्वस्व प्रभु,
भगवान इसलिए कह रहे हैं कि हम ये समझ जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर कर्म कृष्ण सचिदानंद विग्रह नादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब कारणों के कारण वही कृष्ण है, वो परम ईश्वर है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कंट्रोलर वही है। तो हमारा इसका बोध यही है, ये जानना कि जो सब चीजों के मालिक है तो हमें उन्हीं के पास मांगना चाहिए, उन्हीं के पास जाना चाहिए। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मुझे शरणागति देते हैं, चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। और वो चार प्रकार में भगवान कहते हैं जिसे धन चाहिए वो मेरे पास आता है, जो दुखी है पीड़ित है वो मेरे पास आता है, जो जिज्ञासु है जिसे जिज्ञासा है जानने के लिए कि भगवान कौन है, जीव कौन है, मैं कौन हूँ, वो भगवान कहते हैं मेरे पास आता है। चौथा ज्ञान, जिसे ज्ञान हो गया है बोध हो गया है वो मेरे पास आता है। तो अर्जुन पूछता है कि ये चारों तो आपके पास आते हैं पर इन चारों में से सबसे प्रिय कौन है, आप किसको सबसे अपना प्रिय मानते हैं? तो भगवान कहते हैं जो ज्ञान के आधार पर, वैसे तो भगवान कहते हैं ये चारों ही बड़ी पुण्य आत्माएं हैं, ये चारों बहुत पुण्य आत्माएं हैं, जो चारों आते तो मेरे पास ही, कहीं भटकते नहीं। धन भी चाहिए तो मेरे पास आते हैं, दुखी भी होते हैं तो मेरे पास आते हैं, जिज्ञासा भी है इच्छा जानने की है तभी मेरे पास ही आते हैं, और अगर ज्ञान हो गया है तो मुझे ही शरणागति देते हैं। तो अर्जुन पूछता है कि इन चारों में से सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान कहते हैं ये पुण्य आत्मा तो है चारों, पर इन चारों में से जो सबसे प्रिय है वो है जो ज्ञान के आधार पर शुद्ध भक्ति करता है, वो मुझे सबसे प्रिय। भगवान ने क्लियरली कहा कि ज्ञान के आधार पर, ये नहीं कहा कि जो मनमर्जी से भक्ति करता है, जो मनमर्जी से ही कोई मंत्र बना लेता है, जो मनमर्जी से ही नियम बना लेता है भक्ति के, जो सोचता है किसी को कहिए कि भगवान प्यास बसन के बिना ही भोग लगाते हैं हमको, तो कहते नहीं मेरे भगवान तो ये भी खा लेते हैं, मेरे भगवान तो वो भी खा लेते हैं, मेरे भगवान चाय भी पी लेते हैं, चाय बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है। तो कई जगह देखा गया कि वो ऐसी बातें करते हैं कि मेरे भगवान, तो भगवान तो शास्त्रों के आधार पर जो भगवान ने कहा है, भगवान कहते हैं मैं तामसिक चीजों का सेवन नहीं करता, गीता में लिखा है, मैं सिर्फ सिर्फ सात्विक वस्तुओं का को ग्रहण करता हूँ। भगवान ने सब कुछ क्लियरली बताया भगवद गीता में, यहाँ तक कहा है कि फलों में रस कहाँ से आता है, चंद्रमा की शीतलता से उन फलों में रस आता है। भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ, चांद भी और सूरज भी मेरी आंखें हैं, मैं हूँ। तो कहने का अर्थ है कि भगवान ने कहा है, क्लियर कर दिया कि सब कुछ मुझसे आ रहा है। पत्र पुष्पों फलम तो योग भक्त अभ्यर्थी, कहते हैं मैं क्या लेता हूँ, पत्र पुष्पम, मुझे जो कोई एक पत्ता भी ऑफर कर दे, थोड़ा सा जल भी दे दे, तो मैं उसको भी ग्रहण कर लेता हूँ, जो पर प्रेम से दे। भक्त के से वो भी ग्रहण करता हूँ, मैं उसके भी कृपा कर देता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा पत्रव नहीं कहा, पत्रव मतलब बहुत सारे मांगते, पत्रव कहा एक पत्ता, एक तुलसी दल भी, एक तुलसी का पत्ता भी भगवान को तोड़ सकता है। नारद जी की कथा आप सबको पता होगी, जब द्वारका में भगवान द्वारका में है तो नारद जी वहां पहुंचते हैं, तो रुक्मिणी जो है वो भगवान को, भगवान से अति प्रेम करती है, और भगवान को भगवान कहते हैं कि मेरे को तुम, वो कहते हैं कि नारद जी के भगवान को तोड़ो तो, और उतना ही जो सेवन जो तुड़ेगा तो वो बांटो और उतनी आपकी आयु बढ़ेगी। वो कहते हैं कि हर जन्म में हर आयु में हर समय में भगवान मेरे ही रहे, तो कहते हैं आप बांटिए इतना जो भगवान को तोला जाए और उतना ही सोना उतना ही सामान बांटा जाए। तो भगवान को तराजू में बिठाया जाता है एक तरफ और दूसरी तरफ सामग्री रखी जाती है, पर वो कभी भी टूटते ही नहीं है, हमेशा ही भगवान भारी रहते हैं। तो वो थोड़ी सी विचलित हो जाती है कि क्या करूं, तो भगवान हंस पड़ते हैं। भगवान कहते हैं कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, एक तुलसी का पत्ता उसको रख दो मैं तोड़ जाऊंगा, और एक तुलसी का पत्ता रखने से ही भगवान तो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं मैं एक ही
एक वचन में ही कह रहे हैं, मुझे थोड़ी सी सामग्री भी दोगे मैं उसे भी स्वीकार कर लूंगा, पर भाग से। तो यहाँ पर भगवान गीता में अपनी चर्चा करते हैं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, फिर कहते हैं कि तुम कौन हो, जीव कौन है, सब जीव आत्माएं कौन है, हम सब में भी जो आत्मा है, जो बाकी कीट पतंग है उनमें भी आत्मा है। तो भगवान बताते हैं ये सब जीव कौन है, ये सब मेरे अंश है। माँ में मन शुभ जीव लोग जीव पूता सनातना 15वें अध्याय में फिर से कहते हैं कि सब मेरे अंश, ये सब मेरे अंश है और मेरी ही सेवा के लिए, तुम भी मेरे अंश। तो हम भगवान के अंश है, हमारी आत्मा भगवान के अंश है। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सब जीव कौन हो। तो अंश जो होता है उसको क्या बनना होता है, जैसे ये हाथ इस शरीर का अंश है, तो इस हाथ की क्या जिम्मेदारी है, इस हाथ की जिम्मेदारी है इस शरीर की सेवा करना। अगर मेरा हाथ आपका हाथ है, आपकी टांग है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी आंख है, उसकी जिम्मेदारी है कि आपके शरीर की सेवा करे। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम उनके अंश हैं तो उनकी सेवा। सीधी बात, बहुत सिंपल। भगवान ने बहुत सिंपल बोला, श्री प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के फानुल आचार्य है उन्होंने और भी सिंपल लैंग्वेज में हमें बहुत सरलता से समझा दिया। तो हम भगवान के अंश है, हमारी एक ही जिम्मेवारी है कि भगवान की सेवा। भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ऋषिकेश का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों के भी स्वामी है और हमारी इंद्रियों के भी स्वामी है। इसलिए भगवान अपनी इंद्रियों के साथ साथ हमारी इंद्रियों के भी स्वामी है। तो इंद्रियों का क्या कार्य है, क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने मालिक की सेवा करें। जैसे हमारी इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, इन सबका क्या कार्य है, हमारी सेवा करना। तो भगवान ने कह दिया कि तुम्हारी इंद्रियों का भी मैं ही स्वामी हूँ। तो इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा करनी। तो फिर भगवान ने कहा, अपने बारे में बताया, फिर जीव के बारे में बताया, तीसरा भगवान ने प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में बताया। ये भगवद गीता के पांच टॉपिक्स हैं जो भगवान ने डिस्कस किए, जो भगवान ने जिनके बारे में चर्चा की है। फिर भगवान ने प्रकृति के तीनों गुण बताए। प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं, सतगुण रजगुण तमोगुण। ये तीनों गुणों में भगवान कहते हैं ये तीनों गुणों को विस्तार से भगवान ने बताया। भगवान सतोगुण की चर्चा करते हैं, रजोगुण की करते हैं, तमोगुण की करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो उन्होंने ये पहले क्लास में करा था, किसी को याद हो तो, सोने की ईंट और चांदी की ईंट और लोहे की, तो कहने का अर्थ है कि ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण जिस गुण में हम स्थित होते हैं वो गुण हमसे कार्य करा। हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना, हम धुंधलेपन में नहीं रहेंगे। वो राजसिक व्यक्ति रजोगुण में जो व्यक्ति है वो धुंधलेपन में रहता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे और क्या ना करे। सतोगुण में जो व्यक्ति है वो पूरे प्रकाश में रहता है, उसे ज्ञान का प्रकाश है, उसे ये पता है, बोध रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। सतोगुण में जो व्यक्ति है उसे ये ज्ञान रहता है कि वो भगवान की ही चर्चा करने से उसकी गति होगी, परम गति निश्चित है जब भगवान की सेवा होगी, भगवान की चर्चा होगी। तो सतोगुण के अंदर व्यक्ति जो है उसे पूरा बोध रहता है, पर तमोगुण में जो व्यक्ति है वो अंधकार में वास करता है, वो अंधेरेपन में रह रहा है, वो जो करता है वो सोचता है वही सबसे बढ़िया है। तामसिक व्यक्ति जो है, आप देखेंगे इंग्लिश में भी कहा गया है इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस, जहां पर इग्नोरेंस है, जहां अंधकार है, वहां कहते हैं कि जो खाओ पियो ऐश करो, जो मर्जी करो, जो करना है करो, किसने देखा कल क्या होगा, ये इग्नोरेंस है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम ये कहें शास्त्र हमारे पास है, एक शास्त्र नहीं गीता ही नहीं ग्रंथ साहब भी यही कह रही है, बाइबल भी यही कहती है। दाव शर चांद धरोनी ने बाइबल में लिखा है कि सब जप करेंगे भगवान का, दाव शर नॉट किल, किसी को मारेंगे नहीं। कहने का भाव ये है कि ये सब ग्रंथों में लिखा गया है, पर उनकी इंटरप्रिटेशन, उनको समझने का तरीका सबने अपने अनुसार कर लिया है। सब अपने फायदे के लिए उसको समझना चाहते हैं, जिसमें हमारा फायदा हो हम वही इंटरप्रिटेशन उसे उसी तरह से अनुवाद कर लेते हैं।
पर जो प्रभुपाद ने श्री प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द का अनुवाद दिया, उन्होंने एक एक शब्द के अनुवाद को दिया है जिसे आप खुद ही समझ सकते हैं। जो संस्कृत जानते हैं वो सरलता से खुद ही समझ जाए। तो भगवान ने तीनों गुणों की चर्चा की है भगवद गीता में। ये भागवत गीता में भगवान ने सब कुछ दिया है हमें, हमें किसी भी प्रकार की कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए हर चीज सीधे से समझाइए। तो सतगुण रजगुण तमोगुण, तो भगवान ने साथ ही कह दिया पर तीनों ही रसियां हैं। गुण का अर्थ है रस्सी। भगवान ने कहा ये तीनों ही रसियां हैं, ये तीनों ही बांधती हैं तुम्हें, चाहे तुम सतगुण में पिस्ते तो हो जाओ, ये भी तुम बंधे हुए हो। बंधे का कारण, बंधे का मतलब क्या है कि जो भी हम करेंगे उसको वापस लेने पड़ेगा। आपने किसी को दान दिया एक रुपया भी, जब तक वह दान आप तक वापस नहीं आता है, वो दान अगर आपने अपने आप को बीच में रख के दिया है, भगवान को बीच में नहीं रखा है, अपने हाथ से दिया है, अपने गुणगान के लिए दिया है, जब तक वो दान वापस नहीं आप तक आएगा, आप छूटे नहीं, आपको फिर से आना पड़ेगा, वो जो कर्म किया था उसको वापस लेना। इसलिए कर्म जो है वो अपना कर्ता खुद ढूंढ लेता है। आपने किसी का दिल दुखाया था, कोई जीव हत्या कर दी थी, जब तक अब आप उसके हाथों ये कृत पूरा नहीं होगा, वापस रिवर्स नहीं होगा, तब तक आप छूटे नहीं। सतगुण में भी अगर आपने दान दिया है, आपने किसी को भोजन भी खिलाया है, जब तक आपने वापस उसने आपको ये वापस नहीं कर दिया, आप छूटते नहीं, आप बंधे हुए। रजोगुण में भी और तमोगुण भी सब बंधे हैं। सिर्फ वो व्यक्ति छूट सकता है जो विशुद्ध सत्वा की ओर जा रहा है, जो सतगुण को भी पार करता है। तो सतगुण को कैसे पार करते हैं, जहां भगवान को बीच में रखते हैं। आपने किसी को सात्विक भोजन खिलाया है और अगर वो सात्विक भोजन को भोग लगाकर भगवान को प्रसाद के रूप में दूसरे व्यक्ति को खिलाया तो आप छूट जाएंगे, क्योंकि आपने प्रसाद खिलाया, आपने भगवान को बीच में रखा, आपने कहीं दान दिया है, भगवान का मंदिर बनाया है, भगवान के लिए दान दिया है, आप छूट जाएंगे, क्योंकि आपने भगवान के लिए किया। किसी को सही राह पे, इसका अर्थ नहीं कि किसी गरीब की सहायता नहीं करेंगे, हम किसी की सहायता भी करेंगे, पर उसे भगवान की चर्चा साथ में देंगे, उसे भगवान का नाम जपने के लिए साथ में ये ज्ञान देंगे और कोशिश करेंगे कि वो जपे। ऐसा करने से आप भी छूट जाएंगे और वो भी छूटेगा। तो करने कहने का प्रयास है कि भगवान ने क्लियर कहा है ये बंधन है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों में रहेंगे तो हम जगड़े रहेंगे, हमें तीनों को पार करना है, विशुद्ध सत्वा की ओर जाना है। तो भगवान ने क्या क्या हमने कहा, तीन चीजें हो गई। भगवान ने अपनी चर्चा की है, जीव की चर्चा की है, प्रकृति के तीनों गुणों की चर्चा की। चौथा भगवान समय की चर्चा करते हैं, काल। भगवान गीता में कहते हैं काल मैं हूं, समय का चक्र मैं हूं, समय नहीं रुकेगा किसी के लिए, समय चलता रहेगा। समय का चक्र भगवान क्लियरली कहते हैं कि वो मैं हूं, काल भी मैं हूं, काल सब कुछ खा जाएगा, समय के साथ सब कुछ चला जाएगा, समय के साथ हमारे पूर्वज आए सब चले गए, हम भी जाएंगे, आगे की पीढ़ियां भी जाएंगी, कोई नहीं रुकेगा। समय का चक्र बहुत, समय बहुत बलवान है, समय रुकेगा नहीं, और समय कितना भी धन दे दे समय लौट कर नहीं आएगा। तो समय का चक्र भगवान कहते हैं वो चलता ही रहेगा। ये हो गए चार चीजें। पांचवा कर्म, पांचवी चीज भगवान गीता में कर्म की चर्चा करते हैं। हम बार बार सुनते हैं कर्म ही सार है, पर कर्म कौन सा कर्म करना है, ये भगवान गीता में पूरे दो अध्याय जिन्हें समझाते हैं कि कैसा कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं मेरी चेतना में रहते हुए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करो, हर कार्य में मुझे याद रखो, मुझे अपने साथ रखो, ऐसा कर्म करना है, नहीं तो कर्म तुम्हें बांध देगा। जो भी कर्म किया है उसको, उसके फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारी ड्यूटी है,
कर्तव्य है ये करना, पर फल को भोगना ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर निष्काम भाव से कैसे कर्म किया जाए ये हमें पता ही नहीं। निष्काम भाव से कर्म होता है जहाँ भगवान बीच में होते हैं, जहाँ हर कार्य में भगवान जुड़े होते हैं। जैसे हम कल गृहस्थ आश्रम की चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे ही वो गृहस्थ आश्रम, वो गृहस्थ जो घर है, वो वृंदावन बनता है जब वहाँ भगवान की चर्चा होती है, जब हम भगवान के विग्रह होते हैं और भगवान को भोग लगता है और सारा परिवार बैठ के भगवान का कीर्तन करता है, सारा परिवार बैठ के भगवान की आरती में जुड़ता है, तो वो घर वो स्थान वृंदावन बन जाता है। तो चार चीजें जो पहले बताई है वो इटर्नल है, सनातन है। भगवान सनातन है, भगवान हमेशा रहेंगे, भगवान हमेशा थे हमेशा रहेंगे, जीव हमेशा थे हमेशा रहेंगे, आत्मा हमेशा थी हमेशा रहेगी, काल हमेशा से है और हमेशा उसका चक्र चलता रहे, प्रकृति के तीनों गुण हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे, ये कभी नहीं जाएंगे, लोग नहीं होंगे, पर कर्म सनातन नहीं, कर्म इटर्नल नहीं है, कर्म बदला जा सकता है। ये पहली चार चीजें बदली नहीं जा सकती, इन्हें भगवान कहते हैं कोई नहीं बदल सकता। मैं हमेशा था हमेशा रहूंगा, आत्मा हमेशा थी हमेशा रहेगी, समय का चक्र हमेशा चलेगा, प्रकृति के तीनों गुण हमेशा रहेंगे, पर कर्म बदले जा सकते हैं। आपने कभी पाप किए थे, अब भक्ति करके आप पुण्य के रास्ते पे, भक्ति के रास्ते पे चल सकते हैं। अगर आपने जो पहले पाप किए थे आप भक्ति करते हैं, तो वो जो पाप कर्म थे वो भगवान उनका जो फल मिलने वाला था उसको राई के तिनके के समान, दाने के समान कर देंगे, भगवान इतनी शक्ति दे देंगे हमें सहने की। कर्म के फल से नहीं बच पाएंगे, पर भगवान साथ होंगे तो कर्म का फल हमें कुछ कह नहीं पाएगा, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए कर्म में कर्म बदले जा सकते हैं और भक्ति में शक्ति है कर्म को बदलने की। इसलिए जब जब कर्म है ये विशुद्ध सत्वा की ओर जाता है, ये तीनों गुणों से ऊपर है, ये ऐसा कर्म है जो तीनों गुणों से ऊपर है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं हम उसी समय विशुद्ध सत्वा में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि ये बांधने वाला नहीं है, छुड़ाने वाला है, ये हमें संसार से छुड़ाएगा। 84 लाख योनियों की कीमत देकर मनुष्य दे पाई है, अब मनुष्य देह अब पा गई है तो अब क्या करने की बारी है ना, कल भी हम कर रहे थे, अब गोविंद को मिलने की बारी है, अब कृष्ण को मिलने की बारी है। कृष्ण कैसे मिलेंगे, जब हम भगवान का नाम लेंगे। भगवान ने कहा मुझे वही मिल सकता है जो मेरा नाम लेता है, जो मुझे भोग लगाकर खाता है मेरा नाम लेता है, जिसके चित्त में मैं रहता हूँ, जिसके हृदय में मैं वास करता हूँ, वही मेरे धाम लौटेगा जो अंत काल में मेरा नाम लेगा। इतनी बड़ी कंडीशन रखी भगवान ने, जो अंत समय में मेरा नाम लेगा। पूरा जीवन ये नहीं कहा पूरा जीवन मेरा नाम लो, यदि अंत समय में मेरा नाम, और अंत समय में तुम्हें बताऊंगा नहीं, तो इसका अर्थ क्या है, पूरा जीवन नाम लो, हमेशा मुझे याद रखो, कभी मुझे भूलो मत। तो कर्म जो है वो इटर्नल नहीं है। कई कहते हैं ना कर्म तो ये तो लिखा था ये होना है, भगवत गीता कहती है कुछ भी चांस से नहीं होता है, कोई शब्द चांस नहीं है, सब कुछ होना ही था तो हुआ है, पर कैसे हुआ है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार हुआ, जैसा तुमने किया था, जैसा बीज बोया था वैसी ही फसल काटो। ग्रंथ साहब में लिखा है बीज बिख मांगे अमृत, मनुष्य बहुत चलाक है, बोया तो विष था पर हमेशा मांगता है अमृत, एक्सपेक्टेशन अमृत की करता है कि अमृत मिले, फिर जब अमृत नहीं मिलता तो कहता है मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, भूल गया कि वो कर्म जो कई जन्म पहले भी किया था उसका फल तो अभी लेना बाकी था। कितने जन्म पहले कोई कर्म किया अगर उसका फल अभी छूट गया वो मिलेगा, वो जरूर मिलेगा। इसीलिए कहा है कर्म अपना कर्ता खुद ढूंढता है, कर्म आपको याद नहीं है वो कर्म ढूंढते हुए आ जाएगा आपको, पर अगर आप जप करते होंगे भगवान का नाम लेते होंगे तो भगवान कृपा करते हैं, शक्ति देते हैं, सहने की शक्ति देते हैं और आगे आपको बंधन से मुक्त करते हैं। तो इसलिए कर्म जो है वो
कौन सा करना चाहिए, हमेशा कृष्ण भावना भावित हो, हमेशा भगवान की चेतना में रहते हुए कर्म करना चाहिए। तो वैसे ही चतुर्श्लोकी गीता में पहला श्लोक भगवान ने अपनी चर्चा की है, अपने बारे में बताया है, कहा हम सब उसे प्रभु बता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा कृष्णे नाम बुद्ध भवान समर्पिता। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है जो मुझे हमेशा याद रखता है, जो मेरे जो जानता है कि मैं इन सब कामों का कारण हूँ। फिर भगवान कहते हैं तेषां सदा युक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगतं येन मां उपेत्सते। फिर कह रहे कि जो निरंतर मेरा नाम लेता है, तेषां सदा युक्तानां, जो हमेशा मुझे याद रखता है, जो हमेशा मेरी चर्चा करता है, तेषां कर्ता निरंतर सदा युक्तानां, तेषां है कि जो सततम निरंतर, जो हमेशा मेरा नाम लेता है, मुझे याद रखता है, और भजंतम प्रीति पूर्वक, एक कंडीशन फिर भगवान ने लगाई, जो मेरा भजन करता है पर प्रेम से करता है, प्रीति पूर्वक, सिर्फ ड्यूटी समझ के नहीं करता। हम सब सिर्फ ड्यूटी समझ के करते हैं, फटाफट से अगरबत्ती जलाई जो जलाई हो गया काम, प्रेम है ही नहीं। प्रेम होता है तो शरणागति होती है, प्रेम दूसरी तरफ है, प्रेम अपने परिवार से है, भगवान के लिए ड्यूटी है, जबकि ये उल्टा होना चाहिए, प्रेम भगवान से, ड्यूटी परिवार के लिए। और हमारा रिवर्स है, हम प्रेम दिखाते हैं बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, रात को एक एक दो दो बजे उठ के अभी खाना गर्म करके देंगे, घर में लेट आ रहा है या कुछ है, चिंता कर लेंगे, और भगवान को भोग लगाना होगा तो कोई नहीं, कोई ये भी खा लेंगे, वो तो जानते हैं सब कुछ, वो समझ जाते हैं, परिवार के लोग नहीं समझते हैं पर वो समझ जाते हैं। तो इसलिए हमारा भाव भगवान भाव समझ जाते हैं। सो भजन तो प्रीति पूर्वक, भगवान कहते हैं जो हमेशा मुझे याद रखता है, मेरा भजन प्रेम से करता है, ददामी बुद्धि योगतम, उसको देता हूँ, ददामी मीन्स देता हूँ, मैं देता हूँ उसको, मैं बुद्धि देता हूँ मुझ तक आने की। भगवान ने क्लियर कर दिया कि मुझ तक, भगवान तक जाने की बुद्धि भी भगवान से आती है, पर वो कैसे आती है ये भगवान ने बता दिया कि जो हमेशा मुझे याद रखता है और प्रेम से मुझे बचता है, जो प्रेम से मेरा नाम लेता है, मेरा सिमरन प्रेम से करता है, जो ड्यूटी नहीं समझता प्रेम करता है। हमने तो ड्यूटी समझी है इसको, हम तो एहसान करते हैं, कर दिया, हो गया, मैंने ये पाठ इतने मिनटों में कर लिया, मैंने ये इतने सेकेंड्स में कर लिया, तो रोज सुबह ये मेरी रूटीन है। तो कभी परिवार के लिए हम आउट ऑफ द रूटीन भी जाते हैं, पर भगवान के लिए आउट ऑफ रूटीन जाना बड़ा मुश्किल है, परिवार के लिए तो आउट ऑफ द वे चले जाते हैं, पर भगवान के लिए कह देते हैं कोई नहीं, माला उठाने में मुश्किल लगती है भगवान के लिए, तो परिवार के लिए शर्म नहीं आती, पर भगवान के लिए माला उठाने में शर्म आ जाती है। भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगतम येन मां उपेत्सते, ये बुद्धि भी मुझसे आ रही है, मचित मग प्राणा बोधयन्ते परस्पर तत्र तस्य मान्यतेम तिष्ठति च रहति च। फिर भगवान कहते हैं कि कौन सा व्यक्ति संतुष्ट रहेगा, कौन सा व्यक्ति प्रसन्नचित वाला रहेगा, मचित मग प्राण, जिसके चित्त में भी मैं वास करता हूँ, जिसके प्राण में भी मैं वास करता हूँ, जिसके हृदय में मैं रहता हूँ, जो हम हर समय मुझे याद रखता है, जो मेरा नाम लेता है, और कह रहे कि जिसके प्राणों में भी मैं रहता हूँ, प्राणों में रहने का अर्थ है जो मेरे बिना कार्य नहीं करता है, उसका कोई कार्य मेरे बिना संपन्न नहीं होता है, वो मुझे अपने घर के, अपने बिजनेस के, अपने जॉब के, अपनी पढ़ाई के सब में मध्य में मुझे रखता है, मेरे बिना नहीं चलता है। मच्छित मदगत प्राण बोधयन्ते परस्पर, जहाँ दो व्यक्ति मिलते हैं और मेरी ही चर्चा करते हैं, परस्परम संस्कृत में उन लोगों के ज्ञान है जहाँ सिर्फ दो व्यक्ति हैं, बहुत सारों की बात भगवान बाद में करते हैं, कह रहे अगर दो भी मिलते हैं तो वह एक दूसरे को हरे कृष्ण कह के कृष्ण को बीच में कर लेते हैं, वांछा कर्म ध्रुव करते हैं, ये वैष्णव प्रणाम है, ये प्रणाम एक दूसरे को करते हैं हम झुककर, पर ऐसा नहीं है, ये बीच में भगवान खड़े हैं, भगवान को ये परस्पर बोधयन्ते परस्पर, भगवान के लिए दो व्यक्ति भी मिलते हैं तो मेरी चर्चा करते हैं।
कि मेरी ही कथा करते हैं और जो मेरी कथा करते हैं वो संतुष्ट रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। बहुत क्लियरली कह दिया तुष्यंती संतुष्ट रहते हैं, सैटिस्फाइड रहते हैं, उन्हें कोई तकलीफ दुख तकलीफ आ भी जाए, कोई बहुत धन भी मिल जाए, धन खो भी जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो संतुष्ट है। वो जानते हैं सब कुछ भगवान से आ रहा है, अगर कुछ घाटा नुकसान हुआ है, हानि हो गई, कुछ हुआ है, तो क्या है, ये अपने ही कर्मों का, पूरे पुराने कर्मों का कोई फल आया, कोई लाभ मिला है तो ये भी पुराने जो पुण्य किए थे उनका फल आ रहा है। विचलित नहीं होता, बहुत धन मंदिर मिलने पर विचलित नहीं होता और धन खो जाने पर भी विचलित नहीं होता, हर चीज में, सिर्फ धन ही नहीं, हर चीज में वो विचलित नहीं होता, बहुत प्रसन्न होने पर भी हर्ष बहुत ज्यादा हर्ष भी मिल जाए, खुशी मिल जाए, तब भी विचलित नहीं होता, बहुत सुख आ गया है तो भगवान को भूला नहीं है, बहुत दुख आ गया है तब भी भगवान को भूला नहीं है, तो ये व्यक्ति सम रहता है। भगवान ने कहा तुम ये संतुष्ट व्यक्ति है, तुष्यति च रमन्ति च, ये संतुष्ट भी रहेगा और प्रसन्न भी रहेगा। फिर भगवान चौथा ये चतुर्श्लोक की गीता कर रहे हैं तो चौथा श्लोक भगवान कहते हैं, ये कह रहे हैं कि अनन समाम चिंतित ये जनिया परिपास्ते। तो भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं कि सॉरी भगवान चौथे श्लोक में कह रहे हैं कि उसके हृदय में अज्ञानता का नाश करता हूं और ज्ञान का दीपक जलाता हूं। कहते कि मैं कृपा करता हूँ, मेरी कृपा से क्या होता है, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलता है, ज्ञान दीपे न भासता, कह रहे ज्ञान का दीपक जलाकर उसे ज्ञान आता है, वो कहते कि बोध हो गया उसे, एनलाइटनमेंट उसके अंदर से ज्ञान आया। तो भगवान कहते ये भी मैं करता हूँ, तेषां विमानुकम्पार्थम, कह रहे उसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, तेषां विमानुकम्पार्थम अहम अज्ञानम जन्तम, मैं अज्ञानता को दूर कर देता हूँ। जो अज्ञानता हमारे अंदर है, जो तमोगुण हमारे अंदर है, जो आलस हमारे अंदर है, भगवान गीता में बताते हैं ये तमोगुण है, ये आलस है, जो अंधकार हमारे हृदय में ये आलस है, जग करना ना करना, सुबह ना उठ पाना, ये आलस है हमारे, भगवान कहते हैं ये तमोगुण है। जब मेरी मैं देखता हूँ ये व्यक्ति ऐसा है, ये मेरे लिए प्रयास कर रहा है, कृपा कर देता, जो पिछले तीन श्लोकों ने बोले वो तीनों श्लोकों पर जब व्यक्ति चलता है तो ये चौथा श्लोक भगवान कहते हैं तब ये उसके ऊपर कृपा होती है। जो कृपा की हम बात करते हैं कि मेरे पर जब कृपा होगी मैं करूंगा, ये उसी कृपा की बात भगवान कर रहे हैं कि ऐसे आएगी मेरी कृपा, तेषां विमानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं जन्तवान्, मैं कृपा करूंगा और अज्ञानता को दूर कर दूंगा, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीपक हृदय में जलाऊंगा और वो ज्ञान आएगा तो शुद्ध भक्ति भी आएगी, शुद्ध भक्ति करने की प्रेरणा भी आएगी। तो शुद्ध भक्ति जो है वो भगवान के नाम का जप जो है, चारों नियम को फॉलो करना, ये शुद्ध भक्ति के साइन है, चिन्ह है ये शुद्ध भक्ति की, हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम में ही सेवा। रूप गोस्वामी बहुत बड़े संत हैं, वो बताते हैं कि भक्ति का अर्थ है प्रेम से की गई सेवा भक्ति है, और जप करना ये सबसे बड़ी सेवा है। जप करना आप सबसे कीमती चीज भगवान को देते हैं, समय, जो भगवान कह रहे हैं समय मैं हूं, वो समय आप भगवान को देते हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कि तुम जब हम जप करते हैं, हम भोग लगाते हैं भगवान को, ये सब हमारा समय है, हम भगवान को समय दे रहे हैं, वो समय जो धन से खरीदा नहीं जा सकता, वो समय जो कभी लौट कर नहीं आता, ये सबसे बड़ा सदुपयोग है समय का। इस समय को भगवान को उनकी दी हुई चीज है, हम उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं, हमें कहीं और से नहीं मिली है, सब कुछ तभी वो कह रहे हैं सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, उन्हीं से आ रहा है, उन्हीं को अर्पण हो रहा है। फिर भी हम जब उनको अर्पण नहीं करते तो भगवान कहते हैं तुम कंजूस, हम कंजूस हैं, पर हमें कंजूस नहीं बनना, खुले दिल वाला बनना है कि भगवान ने दिया है और भगवान को ही लौटा रहे हैं, पर समय भगवान को देना ये बहुत महत्वपूर्ण है।
भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं, इसी से कृपा करते हैं। तो फिर हमें क्या डर कि भगवान हमसे कुछ छीन जाएगा? भगवान को अगर हम याद रखें या भगवान कहते हैं तुमसे कुछ नहीं छीनेगा। अनन्य सम्मान चिंतित योजनिया प्रेमास्ते देशान्तरुत्तम योगक्षेम महामेयम। वरुण कहते हैं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो हमेशा मुझे याद रखता है, उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, और जो नहीं है वो मैं खुद लेकर आता हूँ। नौवें अध्याय में भगवान ने ये कहा। एक टीकाकार थे यमुना आचार्य, ये गीता महात्र की कथा है। यमुना आचार्य टीकाकार थे, टीका लिख रहे थे भगवद गीता के ऊपर, और शुद्ध ब्राह्मण थे। शुद्ध ब्राह्मण गिफ्ट देना और प्राप्त करना, मतलब उपहार देना और उपहार लेना, पठन पाठन, जो खुद भी पढ़ते हैं दूसरों को ज्ञान देते हैं, खुद ज्ञान देते हैं दूसरों को देते हैं। और उपहार का अर्थ है कि भिक्षा पर जीते, भिक्षा एकत्र रोज करते हैं, और साथ ही वो दान भी देते हैं, देने में खुले दिल के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो यमुनाचार्य थे वो टीका कर रहे थे भगवद गीता को, और टीका करने के बाद वो कुछ उनके पास संग्रह नहीं करते थे, रोज भिक्षा मांग कर आते थे, वही रसोई पकती थी, फिर भगवान को भोग लगता था, वही प्रसाद ग्रहण होता था। तो टीका करते करते जब ये श्लोक आया नौवें अध्याय का, अनन्य सम्मान चिंतित ये जनिया परिभाषित तेषां नित्य भुक्तानां योगक्षेमं महामेयम्। वो वहां में अहम का अर्थ है मैं। जब उन्होंने ये श्लोक पढ़ा तो उन्हें लगा कि भगवान कह रहे हैं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो हमेशा मुझे याद रखता है, उसके पास जो नहीं है वो मैं लेकर आता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, मैं करता हूँ। तो उन्हें लगा कि इतने करोड़ों करोड़ों जीव हैं, भगवान दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं करता हूँ, सबके पास एक एक के पास जाते होंगे। तो उन्होंने, उनको संशय हो गया, उन्होंने भगवान के इस शब्द के नीचे लाल पेन से लाइन खींचा वहां में अहम के नीचे, और अपनी ब्राह्मणी से कहा कि मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, लौट के आता हूँ भिक्षा लाकर, तब तक भगवान का भोग तैयार करना, नदी पे स्नान करके आऊंगा और भिक्षा लेकर आऊंगा। तो वो भिक्षा मांगने चल पड़े, पर किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी, उन्हें एक दाना भी भिक्षा में नहीं मिला। वो निराश हो गए कि आज भूखे सोना पड़ेगा, सोचकर नदी पे स्नान करने चले गए। इधर उनके घर के बाहर एक 14 साल का लड़का अपनी पीठ के ऊपर बहुत सारा राशन ढोकर बोरे में बंद करके दरवाजा खटखटाता है, और ब्राह्मणी से कहता है कि ये भिक्षा मिली है तुम्हारे पति को। ब्राह्मणी कहती है पर मेरे पति कहाँ है? कहते वो भी नदी पे स्नान करने गए हैं, तो भिक्षा जो मिली है वो मुझे दी है कि मैं घर पर पहुंचाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा भिक्षा मिल रही आज तो वो नहीं उठा पाए। तो कहने की पर तुम कौन? तो उस लड़के ने कहा कि मैं उनका शिष्य हूँ। यदि मैं तो जानती हूँ मेरे पति का कोई शिष्य नहीं है। कहते तुम बहुत बातें करती हो, मेरी पीठ के ऊपर दर्द हो रहा है, इतना वजन है, ऊपर से तुम्हारे पति ने मुझे मारा भी है, मेरी पीठ पर लाल निशान है, मैं उठाने को तैयार नहीं था, और वह उसका शिष्य है इसलिए उसने मुझे जबरदस्ती उठवाया है, और तुम यहाँ बातें कर रही हो। तो ब्राह्मणी कहती है अच्छा कोई नहीं, मैं तुम्हारा सहयोग देती हूँ, ये ले लेती हूँ तुमसे, पर तुम इधर ही रुकना और मिलकर जाना मेरे सामने, मेरे पति से मिलकर जाना। तो कहते हैं ठीक है, उसको दूसरे कमरे में बिठा देती है और रसोई बनाने लगती है, और इतना राशन मिला है कि आज वह पकवान बनाती है भगवान के लिए। इतने में ब्राह्मण लौट के आते हैं, उनको रसोई से बहुत खुशबू आ रही है, वो जानते हैं घर में कोई दाना नहीं है, तो ये क्या बन रहा है? तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये कहाँ से आ जा सकता? तो कहती है कि खुद ही तो आपने भेजा है, वो लड़का तो कह रहा है कि आपने उसको मारा भी है और आपका शिष्य है। तो वो कहते हैं कि कहाँ? कहती है मैंने उस लड़के को दूसरे कमरे में बिठाया है, और वो भागते हैं उस कमरे की ओर और समझ जाते हैं कि कौन आया है। उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि भगवद गीता जिसके उन्होंने लाल लाइन खींचा था उस शब्द के नीचे वो बैठ चुकी थी, वो जानते हैं कि भगवान स्वयं। ये यमुनाचार्य जी की कथा गीता महात्म की कथा है जो शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। तो ये कथा जो है ये दिखाती है कि भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान गीता में बार बार अर्जुन से कहते हैं संशय मत करो, डाउट मत करो,
प्रश्न का उत्तर इसीलिए अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि संशय खत्म हुआ। जहाँ संशय रहता है, जहाँ डाउट्स रहते हैं, वहां श्रद्धा नहीं होती है, वहां शरणागति नहीं होती। बिना श्रद्धा के शरणागति नहीं आती है। तो इसलिए यमुनाचार्य जी की जो कथा है ये बताती है कि भगवान हर जीव का खुद ध्यान रखते हैं, जो उन्हें याद रखता है, जो उन्हें हर समय याद करता है, भगवान भी उसे हर समय याद रखते हैं। इसीलिए जप करना आवश्यक है। प्रभुपाद कहते हैं कि दिन में 2 घंटे हम भगवान को देते हैं तो 22 घंटे भगवान हमारे साथ रहते हैं। जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति 2 घंटे इतना समय मेरे को दे रहा है तो वो 22 घंटे हमारे साथ रहते हैं। ये वो ही करेंगे कि अंत समय में हम उनका नाम ले सके। ये हमारे बस में नहीं है उनका नाम लेना, ये उनकी कृपा से ही नाम। तो भगवान की कृपा से ही, भगवान ने कह दिया मेरी कृपा ही होती है। पर मेरी कृपा कब होती है? जब तुम मुझे याद रखते हो, जब हर समय प्रेम से तुम मुझे बचते हो। तो 2 घंटे का जो जप है, जो समय हम भगवान को देते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं, तो भगवान देखते हैं ये व्यक्ति हर समय, क्योंकि घर में भोग तो हम 3 समय हम खाते हैं। जब हम 3 समय खा रहे हैं तो 3 समय भगवान को तो हम याद कर ही रहे हैं, और 2 घंटे का जप भी कर रहे हैं, तो फिर भगवान तो हमेशा हमारे साथ है। भगवान तो छूटे नहीं है। हर समय मुंह में खाना डालने से पहले याद रहते हैं कि इसको भोग लगाना है। तो इसका अर्थ है भगवान याद है। जप करते हैं तो सुबह उठते हैं तो चिंता रहती है कि जप करना है। तो जब ये चिंता चिंतन की चिंता होती है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पर चिंता जब घर की होती है, बिजनेस की होती है, तो भगवान कहते हैं मुझे भूल गया है, उसी की चिंता कर रहा है। तो और चिंता ग्रस्त कर देते हैं कि और चिंता में रहो। जब चिंतन करते हैं तो चिंता भगवान पे देते हैं। तभी कहते हैं क्या तू तो सोचे, क्या तू तो चितवे, क्या तू तो करे उपाय, ताको काहे की परवाह जे गोपाल सहा। जो जब करते हैं उनको क्या वो चिंता करेंगे, क्या वो उपाय ढूंढेंगे, क्या वो करेंगे, जब गोपाल ही उनके साथ है, उन्हें कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए हमारे बस में कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं हो सकते किसी चीज। हम अपने कर्मों से बंधे हुए आए हैं और कर्मों से बंध के चले जाएंगे। इसीलिए वो कार्य करना है जो कर्मों से ना बंधे हैं, हमें बांधे ना। कर्म काटने हैं, जो हम जो किया था उसको भोग रहे हैं, पर आगे से वो करना है कि जो भोगना ना पड़े, ये समझना। भगवद गीता यही समझाती है कि जो कर्म एक्शन किए थे, कर्म किया था, उसका रिएक्शन आया है। अब आगे जो रिएक्शन को रिएक्ट नहीं करना है, उसको रिएक्शन को फिर से दोबारा रिएक्ट नहीं करना है, फिर बच जाएंगे हम। तो अगर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। कौन है जिसका नहीं समझ आ रहा? क्योंकि भगवद गीता में इतनी शक्ति है भागवतम में भगवान की चर्चा में कि वो सबको सुना देती है। नींद अच्छे से आती है भागवतम में भगवान की चर्चा सुनने में। ये कहा है भगवान ने कि जिसको इंसोमनिया है, जिसको नींद की प्रॉब्लम हो, उनको नींद ना आती हो, वो अगर भागवतम में जाए तो वो अच्छे से सो सकते हैं। उसे गोली खाने की आवश्यकता ही नहीं। आप बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, फिर पूछना चाहते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन की चेन को काटना यही गीता सिखाती है। अभी आज मेरे पास समय कम है हमारे पास, फिर कभी इसकी चर्चा भी सुबह की एक क्लास बाकी है, तो सुबह कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप में से जो सुनना चाहें तो सुबह इसके ऊपर और ज्यादा चर्चा कर सकते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में 40-50 मिनट से ऊपर भगवान की चर्चा हजम नहीं होती, नींद जाती है। मूवी 3 घंटे चलती रहे तो हम बैठे रहते हैं, पर भगवान की बात हो रही हो तो नींद भी आती है। और क्योंकि इसमें अभी रुचि नहीं आई, श्रद्धा और रुचि की कमी है। जब श्रद्धा और रुचि होगी तो फिर मन करेगा कि हमेशा भगवान की चर्चा सुन, यही मन करेगा। तो प्रश्न हो, क्योंकि मन में संशय नहीं रखना है,
प्रभुपाद जिसका प्रभुपाद है इसको आपके फादर आचार्य जो है उन्होंने ये दिया है कि सब प्रश्न और जरूर पूछे। एक तो प्रश्न पूछने से अलर्टनेस रहती है और दूसरा प्रश्न पूछने से आपका उद्धार भी होता है और जो स्पीकर है जो बात व्यास आसन पे बैठे हैं उनका भी उद्धार होता है। तो प्रश्न पूछना अच्छा रहता है कि सबका उद्धार होता है। जो मन में संशय एक के होता है वो कईयों के होता है। वो संशय दूर हो जाए तो भक्ति सरल हो जाती है। जो भक्ति हम करना चाहते हैं वो सरल हो जाती है। भक्ति वैसे ही सरल है। चतुर्श्लोकी गीता चार श्लोकों में भगवान ने पूरी गीता समझा दी है। अभी आगे और भी कई श्लोक है, हर श्लोक ही महत्वपूर्ण है, पर भगवान इन चारों श्लोकों में उन्होंने समझा दिया कि कृपा कैसे आती है और मैं कैसे कृपा करता हूँ। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है? कोई प्रश्न है? यस, हरे कृष्ण। सात्विकता में चौदह अध्याय में भगवान तीनों गुणों को बता रहे हैं, तो हमें सत्व गुण से भी ऊपर आना है। सात्विक कार्य में नहीं रहना, सत्व गुण से भी लांघना है। ये भी रस्सी है, ये सोने की रस्सी है। रजोगुण चांदी की रस्सी है, सत्वगुण सोने की रस्सी है। तो सोने की रस्सी से भी बंधना है। सत्वगुण में प्याज लहसुन ना खाना सत्वगुण है। तो पर हमें प्याज लहसुन सिर्फ उद्देश्य ये नहीं है कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना, हमारा उद्देश्य है प्रसाद खाना। तो भगवान प्याज लहसुन के बिना ही खाते हैं, तो भगवान को अर्पण करके उसे ग्रहण करना, प्रसाद खाना, ये विशुद्ध सत्व। सत्वगुण है बिना प्याज लहसुन के रहना, पर हमारा लक्ष्य ये नहीं है। हमारा लक्ष्य इससे भी आगे है। हमारा लक्ष्य है प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की सेवा करना, सत्वगुण में रहना। तो सत्वगुण जो है विशुद्ध सत्वा में रहना, सत्वगुण को भी लाभना है। तो चौथे अध्याय में पढ़ेंगे तो डिटेल में भगवान सारी चर्चा बताते हैं। यस प्रभु, अहंकार जो हनुमान जी को था अपनी भक्ति का, उन्होंने जो क्रोध को दिखाया, अलंकार को जलाया, तो वो जो फॉल्स ईगो हमारे अंदर है, अर्थ है कि जो नहीं है उसको है समझ के हम उसी पर जीते हैं। हम हमारा कद 5 फुट है, पर हमारा जो नित्य अहंकार है वो 15 फुट से भी ऊपर है। तभी भगवान को कहना पड़ा कि हानि लाभ मान अपमान इससे ऊपर उठो, रात दिन सुख दुख इन सबसे ऊपर आओ, क्योंकि मिथ्या अहंकार है कि हम उसी अहंकार को जीते हैं। मान अपमान हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमारे को ये पूछा नहीं गया। तो भगवान कहते हैं कि मान मान और अपमान दोनों को समझो। किसी ने आपको सम्मान दिया है और किसी ने आपका अपमान भी करा है, तो इसको एक बराबर समझो। सम्मान में विचलित ना हो, अपमान में भी विचलित नहीं होना है। आपको बहुत फूल मालाएं गले में लगी तो ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े हो। अगर आपको किसी ने गाली भी दे दी है तो ये मत सोचना कि आप खत्म हो गए। आप दोनों को एक समान समझो। वहां भी हंसकर रहो और जब गाली पड़ी तब भी हंसकर ही हरे कृष्णा कहकर आ जाओ। तो ये है कि